दोस्तों स्वदेशी कंपनियों की बात करें तो महिंद्रा हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार की जाती है, क्योंकि आज इस कंपनी के प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जिस कंपनी को हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते आए हैं, असल में वो कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब दोस्तों आज के इस खेल में हम महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। दोस्तों महिंद्रा कंपनी की शुरुआत साल 1892 से हुई थी, क्योंकि इसी साल इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रे जी का जन्म पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रे जी, जिसे जेसी जगदीश के नाम से भी जाना जाता था, वह अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। इसलिए पिता के गुजर जाने के बाद से माँ और 8 भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई थी। हालांकि उस समय उनकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन हौसला पर्वतों की तरह बुलंद था और वो हमेशा से ही दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय लोग भारत एजुकेशन को खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को अच्छी तरह से समझ लिया था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने भाई बहनों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था, और खुद जेसी महिंद्रा जी ने इंजीनियर की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जोबली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो कि आज के समय में वीर माता टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद से साल 1929 में जगदीश चंद्र महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई थी, जहां उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर काम किया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया। वहीं जगदीश चंद्र महिंद्रा जी के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी कि केसी महिंद्रा जी की अगर बात करें तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल अमेरिका में ही जॉब की, और फिर उसके बाद साल 1942 में अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साथ ही 1945 में जब वह भारत लौट कर आए, तब उन्होंने भारत सरकार की इंडियन कोल्ड फील्ड कम्युनिटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों भाइयों को सरकारी और निजी संस्थानों से भी बड़े बड़े ऑफर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि तब तक ये दोनों भाई आपस में मिलकर अपना खुद का बिजनेस करने का मन बना चुके थे। दरअसल उस समय भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और जगदीश चंद्र महिंद्रा जी को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत जल्द ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा, और साथ ही साथ वह अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के आजाद होने के बाद से देश के अंदर स्टील उद्योग की एक ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसलिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रख गया था। अब आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने यह सोचा था कि वह मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन साल 1947 में कुछ ऐसा हुआ था जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया था। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, तब मलिक मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए थे, जहां पर पहले तो वो वित्त मंत्री बने, फिर बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। और दोस्तों उनकी इस तरह अचानक भारत को छोड़ने का महिंद्रा भाई और उनकी कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भी काफी ज्यादा थी, और क्योंकि पाकिस्तान चले जाने की वजह से वो कारोबार से भी दूर हो गए थे, इसलिए उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली थी। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था। तब ज्यादातर लोगों ने यह अनुमान लगाया यह कंपनी अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, लेकिन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिंद्रा भाइयों ने इस कठिन परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारी और वो हमेशा अपनी कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे। आखिरकार उन दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई, जिसके चलते उनकी यह कंपनी डूबने से बच गई थी। और क्योंकि कंपनी के एक पार्टनर मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, इसलिए दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का निर्णय लिया। अब वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसमें दिक्कत यही थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी MM नाम से छप चुकी थी, और कंपनी की हालत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नई स्टेशनरी पर खर्चा कर सकें। इसलिए महिंद्रा दोनों भाई कंपनी को ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे कि उनकी यह स्टेशनरी बेकार न जाए। इसलिए काफी सोच विचार करने के बाद से कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया। लेकिन दोनों महिंद्रा भाई अपनी इस कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उनसे पहले भारत में किसी भी कंपनी ने नहीं किया हो, और यहीं पर केसी महिंद्रा जी के विदेश में रहने का अनुभव उनके कंपनी के काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा जी ने अमेरिका में रहते हुए वहाँ पर जीप को देखा था, और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि वो उसे भारत में लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने
बिली जैप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता और साल 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ ही समय में महिंद्रा कंपनी को भारत की जीप निर्माता कंपनी के रूप में जाने जाने लगी। जीप मैन्युफैक्चरिंग से मिली इस कामयाबी के हिसाब से महिंद्रा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल जीप बनाने के कुछ समय से महिंद्रा लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर को भी मैन्युफैक्चर करने लगा था और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर यह दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। अब आगे चलकर सन 1957 में जगदीश चंद्र महेंद्रा जी और 1963 में कैलाश चंद्र महेंद्रा जी का देहांत हुआ, जिसके बाद इस कंपनी को संभालने की डोर उनकी अगली पीढ़ी के हाथों में आई। और दोस्तों, समय के साथ साथ इस कंपनी की बागडोर भले ही अलग अलग हाथों में जाती रही, लेकिन फिर भी यह कंपनी लगातार आगे प्रोग्रेस करती रही। अब दोस्तों, इस समय की बात करें तो महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बना चुकी है, जिसमें कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन, महिंद्रा टू व्हीलर्स, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा और जावा जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल है। साथ ही महिंद्रा का यह बिजनेस दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके जरिए 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और इस समय महिंद्रा कंपनी की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा जी के हाथों में है, जो कि साल 2012 से ही कंपनी के चेयरमैन और MD के पद को संभाले हुए हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा जी ने साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट करते ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और जब से कंपनी की बागडोर उनके हाथों में आई है, तब से महिंद्रा ने और भी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस किया है। और इससे ही पता चलता है कि आनंद महिंद्रा जी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि वे अपने नेतृत्व में महिंद्रा कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।